सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे पाइन एप्पल केक, वो भी 1 kg में। आप लोग भी सोचते होंगे कि लाइक पाइन एप्पल केक ये कितना बनाती है, तो मैं क्या करूँ। पाइन एप्पल केक जो है वो बहुत ही लाइक बेसिक फ्लेवर है जो हर कोई पसंद करता है। सो हमने जो है अपने स्पॉन्ज को एक रात पहले ही तैयार कर लिया था और उसको 4 स्लाइस में इवेनली कट कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमें स्पॉन्ज कितना ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना हुआ है। तो हमने जो है फर्स्ट लेयर अपनी क्रम कोट कर लेनी है अच्छे से प्लेन वाटर से सोक करके। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैं प्लेन वाटर का ही यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ शुगर वाटर, क्योंकि हर चीज़ काफ़ी ऑलरेडी बहुत मीठी होती है एंड आप शुगर वाटर यूज़ करोगे तो वो इससे ज़्यादा स्वीटनेस आ जाएगी। सो इट्स बेटर कि यूज़ प्लेन वाटर इंस्टेड ऑफ शुगर वाटर। तो हमने यहाँ पर अच्छे से क्रम कोट करना है। क्रम कोट के लिए हम अच्छे से पहले इवेनली क्रीम का यूज़ करेंगे, देन हम क्रश यूज़ करेंगे एंड पाइन एप्पल फ्रूट का यूज़ करेंगे जो स्लाइस में भी आते हैं और टिटबिट्स में भी आते हैं। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि लाइक आप लोग सोचते होंगे कि मैं पाइन एप्पल केक कितना ही बनाती हूँ। तो एक्चुअली पाइन एप्पल और चॉकलेट फ्लेवर ये दो ऐसे फ्लेवर है जो कि बहुत बेसिक है और मतलब नॉर्मली लाइक ये दोनों फ्लेवर सभी को पसंद आते हैं। तो मतलब लाइक पाइन एप्पल मेरा जो है काफ़ी बेस्ट सेलर है, पाइन एप्पल केक है, ट्रफल केक है, चॉकलेट केक है। तो ऐसे तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो मैं बनाती हूँ, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं वो आते हैं पाइन एप्पल और चॉकलेट केक के, क्योंकि ये दोनों ही बहुत बेसिक फ्लेवर्स हैं जो कि हर कोई खा लेता है अच्छे से। तो हमने सेकंड लेयर भी अपनी लगा लेनी है, सेकंड लेयर को अच्छे से लगाने के। और हाँ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास केक बनाने से पहले जो बेसिक टूल्स होते हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है, जैसे एक अच्छी सी टर्न टेबल काफ़ी उसमें आती है, लाइक प्लास्टिक में भी आती है जो कि आपको नहीं यूज़ करनी है। टर्न टेबल आपको ले लेनी है, देन एक अच्छा सा पैलेट नाइफ लेना है, स्क्रैपर लेना है, स्पैचुला लेना है। तो ये सारी जो बेसिक टूल्स हैं आपको ज़रूर होने चाहिए एक अच्छे से केक को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे अपनी थर्ड लेयर भी लगा लेनी है। आप खुद देख रहे हो कितना लाइक जाली आई हुई है स्पॉन्ज में, कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना हुआ है हमारा लाइक बेस। येलोइश हल्का सा है वो इसलिए है क्योंकि मैं ना एक्चुअली बैटर में इमल्शन का यूज़ करती हूँ जो कि स्पॉन्ज वनीला फ्लेवर, बहुत बेसिक फ्लेवर होता है। तो अगर आप कोई भी फ्लेवर जैसे मैंगो फ्लेवर बनाते हैं, पाइन एप्पल फ्लेवर बनाते हैं, बटर स्कॉच फ्लेवर बनाते हैं, तो मैं एक्चुअली बैटर में इमल्शन का यूज़ करती हूँ। आप लोग भी एक बार ट्राई करना, इमल्शन से जो आपका वनीला स्पॉन्ज होता है वो आपका फ्लेवर्ड स्पॉन्ज हो जाता है। जैसे कि मैंने अगर इसमें 2-3 ड्रॉप्स इमल्शन के यूज़ किए पाइन एप्पल इमल्शन के, तो वो जो है हल्का सा पाइन एप्पल फ्लेवर भी आ रहा है एंड इसमें हल्का सा येलोइश स्पॉन्ज भी हो जाता है। तो आप भी इमल्शन ट्राई करिएगा, ज़्यादा लाइक कॉस्टली नहीं आता है, 30-40 रुपीज़, मैक्सिमम 50-60 रुपीज़ की छोटी सी बॉटल आती है, आप पहले स्मॉल बॉटल ही ट्राई करिएगा। तो ये हमारी लास्ट लेयर लग गई है और हमने केक को अच्छे से क्रम कोट कर लेना। देख रहे होंगे आप कि हल्की सी क्रीम जो है वो फट रही है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली गर्मी का टाइम है, मैं एसी के नीचे केक बिल्कुल नहीं बनाती हूँ क्योंकि एसी में क्रीम बहुत ड्राई भी होने लगती है। तो मैंने फ़ैन का भी यूज़ नहीं किया है, केक हमेशा एक्चुअली हमें पता है लाइक केक को एक अच्छे टेम्परेचर में बनाना चाहिए, तो एक्चुअली मैं एसी का यूज़ नहीं करती। तो लाइक गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा देर तक अगर आप क्रीम को बाहर रखते हैं तो हल्की सी वो फटने लगेगी। बट ऐसा जिसमें अभी कोई, क्योंकि हमारा ये क्रम कोट है, जब फाइनल हम लोग आइसिंग लगाएंगे तब हमारा केक भी ठंडा होगा और हमारी क्रीम भी ठंडी होगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्रम कोट करने के बाद केक को अच्छे से फ्रिज में 2-3 घंटे को रख कर आप भूल जाओ। अगेन इसमें जो है लाइक मैंने क्रीम अच्छे से केक को हमने फ्रिज में रखने के बाद 2-3 घंटा ठंडा करने के बाद देन हमें अपनी फाइनलाइजिंग करनी है। फाइनलाइजिंग के लिए हमने यहाँ पर एक्चुअली वाइट क्रीम का यूज़ किया है क्योंकि ये जो केक है
ये बटरफ्लाई थीम पे केक है। ये केक एक्चुअली जो डिज़ाइन मैंने कस्टमर को भेजा था वो पिंक कलर में था, बट हमने ये जो है ब्लू कलर में बनाया हुआ है। ये केक फॉल्ट लाइन केक है। अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी कि मैंने कैसे फॉल्ट लाइन केक बनाया हुआ है। काफ़ी न्यू डिज़ाइन है, बहुत ट्रेंडिंग है, तो लाइक आप लोग भी अगर ट्राई करोगे तो काफ़ी मतलब लाइक बनाने में तो मज़ा आएगा ही और दिखने में तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने स्क्रैपर और पैलेट नाइफ का यूज़ करते हुए केक को अच्छे से फिनिशिंग देनी है, और फिनिशिंग तब तक देनी है जब तक आपको अपने मन चाहा फिनिशिंग लुक अच्छे से केक पे ना दिखे। तो लाइक लेकिन ज़्यादा भी नहीं देनी है, इससे क्या होता है कि गर्मी का टाइम है, आप ज़्यादा क्रीम को नाइफ से या पैलेट नाइफ से सॉरी नाइफ से या फिर आप स्क्रैपर यूज़ करोगे तो क्रीम भी हल्की हल्की मेल्ट होने लगेगी और हल्की हल्की फटने भी लगेगी। सो हमारी फिनिशिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब हम फॉर लाइन केक के लिए एक डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे, सेम कलर पे नहीं होता है। अब मैंने स्काई ब्लू का जेल कलर यूज़ किया था क्रीम में, आप कोई भी जेल कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है दो बीच में लाइक स्पेस जो छोड़ी है वो बेसिकली फॉल्ट लाइन केक के लिए ही डिज़ाइनिंग के लिए मैंने स्पेस दी हुई है, अभी आप देखेंगे। देन मैंने यहाँ पे स्टील स्क्रैपर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, आप करना चाहो कर सकते हो बट वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो हम लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैलेट नाइफ से पहले हमें क्रीम को अच्छे से थोड़ा सा डैप कर लेना है जिससे इवनली स्क्रैपर से भी लग सके। तो मैंने यहाँ पे OHP शीट का यूज़ किया है, आप चाहो तो कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे OHP शीट का यूज़ किया था। देन यहाँ पे मैं स्टील स्क्रैपर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लाइक OHP शीट से लाइक OHP शीट्स बहुत ही OHP शीट बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब लाइक क्रीम को इवनली सेट करने के लिए हमने OHP शीट का यूज़ किया। देन हमारे जो बीच में स्पेस दिख रही है उसके लिए हम स्टील स्क्रैपर का यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी आपको स्पेस दिख रही है वहाँ पे हमें अपनी क्रीम यूज़ कर लेनी है। देन हाँ, जैसे कि मैं देखी वहाँ पे मुझे स्पेस दिख रही थी तो मैंने वहाँ पे भी अपनी क्रीम यूज़ कर ली है। देन हम सिर्फ देन OHP शीट का ही यूज़ करेंगे प्लेन लाने के लिए। तो वो आपको तब तक लेकर जब तक आपको नहीं लगता है कि हाँ अब हमारा केक जो है इवनली हर तरफ से अच्छे से लाइक स्मूथ फिनिशिंग में आ गया है। तो हमें ये OHP शीट हो गया या फिर कार्ड्स हो गए, ATM कार्ड्स भी हो गए या ताश के पत्ते जो होते हैं, मतलब आपको एक कार्ड यूज़ करना है फ्लेक्सिबल कार्ड। आप हार्ड लाइक जैसे कि स्टील स्क्रैपर है ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद जो है हमें अपने 1 mm हमने अपना नोज़ल लिया था उससे हमें अपनी ये डिज़ाइन बना लेनी है अच्छे से। 1 mm नोज़ल्स के साथ 1 mm नोज़ल के साथ हमने ये अपना डिज़ाइन बना लेनी है। उसके बाद जो है लाइक मैं वो शूट नहीं कर पाई अच्छे से। मैंने एक्चुअली गोल्डन डस्ट का यूज़ करके जो भी लाइक जो मैंने वो फॉल्ट लाइन बनाई थी उसको हाईलाइट कर लेना है। देन मैंने जो है ये चॉकलेट बार्स मोल्ड में लाइक मिल्क चॉकलेट मेल्ट करके देन हमने अपने मोल्ड में डाल के उसको फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद हमने अपनी चॉकलेट्स भी उस डेकोरेशन में लगा दी। मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे पास पिंक और ब्लू दोनों ही हैं, पिंक केक होता तो मैं पिंक एडिबल बटरफ्लाइज लगाती, ब्लू केक है तो हम ब्लू बटरफ्लाइज लगाएंगे। आप समझ गए लाइक जो फॉल्ट लाइन थी हमें उसको जो डस्ट होती है उसमें वेपोरेक्स मिला के फॉल्ट लाइन को हाईलाइट करना है, ठीक है। वो एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं वो चीज़ शूट नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न, बट आप मैं नेक्स्ट अगर ये केक बनाऊंगी तो मैं मेक श्योर कि मैं उसमें ये चीज़ दिखाऊं। तो हमने अपनी बटरफ्लाइज यूज़ कर लेनी है, ये दीज आर एडिबल बटरफ्लाइज जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो भी आपके लाइक जहाँ से भी आप अपना केक का सामान लेते हैं वहाँ पे मिल जाती हैं ये डिफरेंट कलर्स की। देन हमने यहाँ पे गोल्डन बॉल स्प्रिंकल कर दी है, केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका था इस वजह से जो है बॉल्स थोड़ा लगने में दिक्कत हो रही, बट ऐसा उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा।
तो हमने जहाँ पे स्प्रिंकल्स का यूज़ कर लिया था, देन जो है हम अच्छे से लाइक स्प्रिंकल्स को लगा भी सकते अपने हाथ से, या फिर आप ऊपर से ही इस तरीके से लगा लो। देन मैंने फंडेंट पे ये लिख किया, ये जो मार्कर है ये एडिबल मार्कर है तो ये हार्मफुल नहीं होता है। देन मैंने लास्ट में, जो कि आपको अच्छे से पता है कि ये डस्ट मेरी फेवरेट है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें आती है लाइक गोल्डन सिल्वर, तो मैंने गोल्डन से मैंने उसको डस्ट कर दिया केक को एक अच्छा सा लुक देने के लिए। देन मैंने पिंक स्प्रिंकल्स भी ऐड ऑन कर। तो ये है हमारे केक का फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।